हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि मैच इंडिया में होने हो रहा है, जो कि 3 मैच की सीरीज़ हुई थी T20 की नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ की जो पिच है वो तगड़ी पिच है, रनिंग रन बनते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने 3rd T20 इंटरनेशनल में देखा था, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। दोनों टीमों ने 200-200 रन बनाए थे। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। मैं आपको टीम बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको टीम क्या बनने वाली है। उस मैच में मोहम्मद शहजाद ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, पर इस बार क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, बहुत कंफ्यूजन है, तो मोहम्मद शहजाद को ना लेके नायल ओब्रायन को मैंने लिया है। गैरी विल्सन एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। नायल ओब्रायन T20 के स्क्वाड में नहीं थे, अब वनडे स्क्वाड में हैं वो, तो खेलेंगे मैच नायल ओब्रायन, तो नायल ओब्रायन को लिया है मैंने। पॉल स्टर्लिंग को उस मैच में नहीं लिया है। पॉल स्टर्लिंग बहुत अच्छे बैट्समैन है और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, जल्दी जल्दी रन बनाते हैं। एड जॉयस भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, पर उनको नहीं लिया है मैंने। लिया है पोटरफील्ड, स्थानिक जाए, एंडी बल्बेरिनी को लिया है मैंने टीम में अपनी, और मैं 3 बैट्समैन के साथ ही गया हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो नूर अली जादरान को अपनी टीम में ले सकते हैं, ये ओपन करने वाले हैं मोहम्मद शहजाद के साथ। अगर हम चलें ऑलराउंडर्स की तरफ, केविन ओब्रायन, मोहम्मद नबी, जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करी थी लास्ट मैच में, तो उनको लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और केविन ओब्रायन भी बहुत बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, तो उनको लेना अच्छा रहेगा। और गुलबुदीन नाइब को मैंने अपनी टीम में लिया है, आप रहमत शाह की तरफ जा सकते हैं, दोनों बराबर के एक तरह से बैट्समैन हैं, पर गुलबुदीन नाइब थोड़े अच्छे बॉलर हैं, इनको मैंने इसलिए लिया है अपनी टीम में। और स्टुअर्ट थॉम्पसन भी ये मैच खेल सकते हैं, तो थोड़ा नीचे आएंगे स्टुअर्ट थॉम्पसन, जो T20 था उसमें ओपन कर रहे थे, पर नहीं, वनडे में ओपन नहीं करेंगे। वनडे में ओपन हमारे विलियम पोर्टरफील्ड और पॉल स्टर्लिंग ही करेंगे, तो इनको आप ले सकते हैं, पर मैंने नहीं लिया अपनी टीम में। मैं 4 बॉलर्स के साथ गया हूँ। राशिद खान, मतलब राशिद खान बेस्ट बॉलर हैं एक तरह से, इन पूरे 22 प्लेयर देखे जाए तो, अगर हम आयरलैंड भी और अफगानिस्तान भी, तो राशिद खान को आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आमिर हमज़ा लिया है, एंडी मैकब्रिन लिया है, और लिया है जेकब मुल्डर, तो ये सही टीम रहेगी मेरे को लगता है, तो ये मैंने बनाए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे कल के मैच में। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की दारोमदार, मैं कैप्टन तो मोहम्मद नबी को ही बनाने वाला हूँ, वाइस कैप्टन मैं राशिद खान को बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो भी रिसेंटली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी, उस मैच में भी बहुत विकटें उन्होंने ली थी। और अगर हम ये T20 सीरीज़ भी देखें, जो 3 मैच की अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है आयरलैंड के साथ ही, एक मैच में उन्होंने 2 विकटें ली, एक मैच में 3 विकटें और एक मैच में 5 विकटें, तो विकटें उनके हाथों में है ही है, मतलब और कल 10 ओवर कराएंगे तो बहुत ज़्यादा विकटें निकाल सकते हैं, 4-5 विकटें निकालने की उम्मीद है उनसे, तो उनको वाइस कैप्टन बनाना सही रहेगा अगर आप कैप्टन ही बनाना चाहें तो। अगर आप नहीं चाहते इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, तो आप बना सकते हैं केविन ओब्रायन को। और अगर आप सेफर ऑप्शन और अच्छा चाहें, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे, विलियम पोर्टरफील्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे, अच्छी फॉर्म में भी हैं, पर मैं राशिद खान के साथ जाऊँगा। तो आप थोड़े बहुत चेंजेस किया करो, मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्योंकि जो टीम होगी वो भी सेटल कॉम्बिनेशन यही बनेगा, हर किसी के दिमाग में यही सेटल कॉम्बिनेशन आएगा, जो आपके अपोनेंट्स होंगे वो भी कुछ ना कुछ यही बनाएंगे। तो आप देखना अपने दिमाग से, थोड़ा एक आध प्लेयर चेंज करना और वाइस कैप्टन कैप्टन भी चेंज करना, क्योंकि थोड़ा यूनिक आपको टीम बनानी पड़ेगी अगर जीतना है तो, क्योंकि आजकल जो टीमें बन रही है वो बिल्कुल सेम होती है, एक आध प्लेयर ही चेंज होता है और कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी सेम हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और 1-2 प्लेयर चेंज करने पड़ेंगे या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं टीम सेव कर देता हूँ और आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो प्रीव्यू में ये है कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन मोहम्मद नबी और राशिद खान वाइस कैप्टन, और बाकी 11 प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद शहजाद मैं क्रेडिट की वजह से नहीं ले पाया, वरना मैं उनको ज़रूर लेता। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।